अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई है, बेशक वो प्राइवेट किसी जगह पे जॉब कर रहे थे या वो सरकारी तौर पे जॉब कर रहे थे, जैसे कि CTIs वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे उनके बारे में क्या फैसला होता है ये आगे देखने की बात है, लेकिन वो लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। आज ही ये नई सर्विस मुतारिफ़ कराई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने, तो इसकी मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में आप देखिए, और कैसे अभी अभी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मैं अभी बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे मज़ीद वीडियोस के लिए। सबसे पहले ये कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज ये छोटा कारोबार इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इस मौके पर जो लोग बेरोज़गार हुए उनकी रजिस्ट्रेशन और माली मदद के लिए वेबसाइट के इजरा का ऐलान किया है। नई वेबसाइट जारी की गई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वो वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट है www.ehsaslabor.nadra.gov.pk/ehsas/। तो ये वेबसाइट नीचे दी हुई है नीले रंग की, इस वेबसाइट पे आप जाके रजिस्टर हो सकते हैं। ये कंप्लीट आपके आपको इस पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये कंप्लीट डिटेल दी है। एग्जाम COVID-19 रिलीफ फंड से इमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर कीजिए, अपना मोबाइल ऑपरेटर मुंतखब कीजिएगा, यू फोन की सिम है या जो भी आपके सिम है वो यहाँ से मुंतखब कीजिए, मोबाइल नंबर अपना लिखिएगा नीचे। उसके बाद तस्वीर में दिया गया कोड लिखिए, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वही आपने लिखना है। यहाँ पर तस्वीर में जैसे E99 लिखा हुआ है तो यहाँ पर नीचे ये लिखेंगे और इसको तस्दीक करें, क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपका रोज़गार मौजूदात मुतासर हुआ है, आपके ख़ानदान के किसी फर्द ने इमदाद हासिल नहीं की पहले, तो वो यहाँ से इमदाद हासिल कर सकेगा। ये मुकम्मल मालूम आप यहाँ पर ये तीन चीज़ें लगा के और इसको आप सेंड कर देंगे, आपको दोबारा कॉल की जाएगी और आपसे तमाम मालूमात जो है आपसे ली जाएंगी इस बारे में। तो ये मुकम्मल तरीका था, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए और इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।